कोरोना से जहां पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया, वहीं बाहरी जनपदों से मुरादाबाद में निवास करने वाले लोगों के बीच भुखमरी की नौबत आ चुकी है। आस पड़ोस के लोगों ने भी मदद करना छोड़ दिया है, जिसके बाद कुछ परिवार आज दो रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। मुरादाबाद के मंजुला क्षेत्र के अम्बेडकर नगर नया गाँव में बाहरी जनपद के कई परिवारों के सामने भुखमरी के हालात हैं। पिछले दो दिनों से उनके घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। किसी तरह पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें मदद के रूप में राशन मुहैया कराया। इस परिवार के पास पैसे नहीं है, लिहाजा मकान का किराया भी नहीं दिया गया। वहीं लोगों की मदद न पहुंचने से परिवार सदमे में है। पुलिस की मदद से इन्हें राहत मिली है। पुलिस के मुताबिक यहां कल भी राशन बांटा गया था, लेकिन जिसके पास राशन पहले से है उन्होंने भी राशन ले लिया। इसके बाद उसके असली हकदारों को राशन नहीं पहुँच सका। चौकी इंचार्ज संजय कुमार ने कहा कि हमें सूचना मिली, जिसके बाद इन्हें खाने का सामान दिया गया। जाँच में इनके पास खाने को कुछ नहीं मिला था, जिसके बाद इनको राशन दिया गया। मेरे हस्बैंड फैक्ट्री में काम करते हैं। तो क्या दिक्कत है? दिक्कत सर, दो महीने से वेतन नहीं मिला है, घर पे फैमिली है, बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, राशन की जरूरत है। तो फिर क्या क्या किया आपने? कॉल की मैंने 112 नंबर। तो फिर 112 नंबर से आए हैं आपके पास? जी हाँ। क्या क्या जी? राशन के लिए दिक्कत कह रहे हैं। दे रहे हैं जी हाँ। घर देखा मेरा, किराए पे यहाँ रहते हैं। तो कुछ भी नहीं है आपके घर में? नहीं सर, अब कुछ भी नहीं है, था वो खत्म हो चुका। तो कल भूखे सोए थे? नहीं सर, मकान मालिक ने दिया था। क्या करते हो आप? काम करता हूँ। कहाँ? आईडीआरआई वैसे उसमें करता हूँ, कंपनी में। तो क्या हुआ? हुआ क्या सर, ये मतलब ये लॉकडाउन में मतलब काफ़ी परेशानी हो रही है, मतलब खाने पीने की, मतलब और यही पैसे वैसों के चक्कर में थोड़ा हो गए थे, तो इसलिए। तो 112 को फ़ोन करा था सर? 112 पे ये हेल्पलाइन के लिए करा था सर, कुछ था नहीं तो हमने। फिर क्या हुआ जब हम आया वहाँ से? लग रहा था वहाँ का फ़ोन? जी फ़ोन लग रहा था। फ़ोन? हाँ फ़ोन लग रहा था। काफ़ी बार ट्राई करा तो लगा था, लग गया था फ़ोन। और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आइए यहाँ पे टीम। जी आप लोग आए, टीम आई थी सर, टीम आई है। तो क्या कह रहे हैं उन लोगों ने? चेक कराया, बोले सामान नहीं है आपके पास, वास्तव में आपको दिया जाएगा। चलो। पप्पू सिंह सनोब मदन सिंह हैं। हाँ। और पोथेपुरवा गांव के रहने वाले, लखीमपुर खीरी के। यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं? सर इन्हें 4 महीने। कभी 4 महीने से रह रहे हैं। पिछले 2 महीने से इन्होंने कोई किराया नहीं दिया। इनके पास संसाधन जो भी थे खाने के लिए, इनके मकान मालिक ने भी कहा जो भी सुविधा हो हम तुम्हें देंगे, मगर नए गांव में पिछले कल से ये अफवाह हो रही है कि किसी के पास राशन नहीं है। मैंने जनप्रतिनिधि श्री अशोक कुमार जो स्थानीय पार्षद हैं उनसे व्यक्तिगत मिलकर 3 दिन पहले मैंने ये कहा कि कोई आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए। आप हमें बताओ ऐसे लोगों को कि जो जो लोग जिसके पास खाना नहीं है या सक्षम नहीं है अपना संसाधन जुटाने में, उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया और वो भी प्रयास कर रहे हैं। हमने भी ले जाके अपने आप चिन्हित करके हमने अपनी तरफ से भी आर्थिक सहयोग किया उनका और सामान भी दिलाया है। तो अब इनको सामान दिलाया जा रहा है? अब इनको सामान दिलाया जा रहा है। इनके घर में वाकई में सामान नहीं है, मगर मेरी एक अपील ये है कि जो भी राशन है, राशन उनके लिए है जो अपना संसाधन जुटाने में सक्षम नहीं है या जो आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से इतने विकलांग हैं या शारीरिक रूप से इतने कमज़ोर हैं कि वो नहीं कर सकते। राशन की और सभी सामान की दुकानें खुली हुई हैं और पर्याप्त मात्रा में आ भी रहा है। हम लोग पहले से भी एक दूसरे से सामान ले दे के अपना काम चलाते आए हैं। क्या क्या जानकारी आई थी आपके पास जो आपको यहाँ आना पड़ा? जानकारी ये आई थी कि काफ़ी मात्रा में जो है नए गाँव में और होली मैदान के पास में लोग इकट्ठा हैं, उनके पास राशन नहीं है। तो मैं इसी जानकारी में आया, रात भी ऐसी थी जानकारी। हमने लोगों के यहाँ जाके चेक भी किया, जो जो लोग आए थे वहाँ उनके यहाँ गेहूँ चावल और सब थे पर्याप्त मात्रा में। हमने रात में 4-5 लोगों को चेक किया, 4-5 लोगों में 3 लोगों के यहाँ पर्याप्त मात्रा में राशन था, 2 के यहाँ नहीं था, उनको दिया गया। जी क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है SI संजय कुमार, चौकी प्रभारी नया मुरादाबाद। और हमारे